नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बिहार में सियासी उठापटक के बीच में मंत्री पद को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं वो बिल्कुल भी नहीं थम रही है। उसको लेकर के एक के बाद एक बड़े दावे और बड़े पैतरे आजमाए जा रहे हैं। जी हाँ, जीतन राम मांझी का लेकर के यहाँ पर अगर हम मुद्दा उठाएं तो उनकी तरफ से ऐसी कई सारी बातें सामने आई जिसमें ये जग जाहिर हो गया कि उनको मंत्री पद एक और चाहिए। एक मंत्री पद उनके बेटे को मिला, अब दूसरा मंत्री पद भी उन्हीं के खेमे में आए, ये उनकी बड़ी मांग है और इसी को लेकर के चर्चा चल रही है। इस बीच में उनकी समधन की तरफ से एक और बड़ा बयान आ गया जिसने सियासी हल्के में और भी ज्यादा भूचाल ला करके दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की समधन, यहाँ पर उन्होंने कहा कि उन्हें भी मंत्री पद चाहिए। आपको बता दें कि मंत्री पद को लेकर के उन्होंने कई बड़ी बातें भी कही, तेजस्वी यादव को लेकर के भी, बीजेपी को लेकर के भी और नीतीश सरकार को भी लेकर के। अगर हम बात करें यहाँ पर ज्योति देवी के बयानों की, तो उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि अगर मुझे कोई मंत्री पद मिलता है तो मैं उस मंत्री पद को जरूर ग्रहण करूंगी और वहां पर एक अच्छे से काम करने की कोशिश करूंगी, विकास की ओर जो है कदम जल्द से जल्द बिहार बढ़ाता हुआ नजर आएगा, मेरा पूरा योगदान रहेगा और मैं बिल्कुल चाहती हूं कि नीतीश जी मुझे ये मौका दे ताकि मैं मंत्री पद संभालूं और आगे बढ़ूं। उसके बाद जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि जीतन राम मांझी पलटी मार सकते हैं क्या, क्योंकि इस वक्त जो है उनके पास ऑफर पे ऑफर आ रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश जो है वो यहाँ पर उनको कोई दूसरा पद देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो क्या अगर अंत तक भी यही सिलसिला जारी रहा तो वो पलटी मार सकते हैं। इस पर ज्योति देवी कहती है कि नहीं, जीतन राम मांझी इस बार पलटी नहीं मारेंगे, एक बार वो भटक चुके थे लेकिन इस बार वो इस तरीके से कोई भी गलती नहीं करेंगे। और तेजस्वी यादव का क्या भरोसा, वो तो 3 महीने के बाद जो है लात मार दिए, तो इस तरीके की बातें वो कह रही थी। वो कह रही थी कि तेजस्वी यादव जो है वो जब नीतीश के साथ थे तो उन्होंने बड़े बड़े पद जो है वो अपने खेमे की तरफ रखा और जो छोटे छोटे पद थे उनको छोड़ दिया, लेकिन इतना कुछ मिलने के बावजूद भी वो सरकार के साथ बनकर के नहीं रह पाए तो हम इसमें उन पर भरोसा कैसे कर ले कि वो हमारे साथ भी यहाँ पर जो है पूरी निष्ठा के साथ रहेंगे, आज ऑफर दे रहे हैं कल को लात मार देंगे। इस तरीके की बातें जो है वो ज्योति देवी करती हुई नजर आई। ज्योति देवी ने ये भी कहा कि उनको मंत्री पद की लालसा नहीं है लेकिन वो मंत्री बनना चाहती हैं ताकि वो बिहार के विकास में अपना पूरा पूरा योगदान दे सके। अब जीतन राम मांझी की समधन का इस तरीके से बयान आना नीतीश के ऊपर अब एक और तलवार लटका रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जीतन राम मांझी के खेमे में जो पहला मंत्री पद गया था उसमें उनके बेटे को हक मिला, उनके बेटे को वो पद मिला, अब उनके समधन भी मांग कर रही है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जीतन राम मांझी के पूरे परिवार का इस तरीके से मंत्री पद को लेकर के मांग करना कितना सही है, कितना गलत है और क्या यहाँ पर ज्योति देवी की ये मांग जो है वो नीतीश सरकार पूरा करेगी या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए महुआ खबर।